हाँ रुको दिखाता हूँ, ये देखो इस फोन से मैं पहले शूट करता था ये। हाँ जी हाँ जी पूरे 10 दिन बाद ब्लॉग करके बहुत ही मज़ा आ रहा है। 10 दिन के बाद मैं ब्लॉग क्यों कर रहा हूँ ये मैं थोड़े दिनों में बताऊँगा, आखिरी तक देखो पता चल जाएगा। एंड वेलकम बैक टू हिज एंड भाई सब मतलब आज लॉकडाउन का तो दूसरे चरण का दूसरा तीसरा, आज कौन सा डे है? वेडनेसडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे तो कल था, कल मैंने अंडे खाए थे। हाँ तो आज दूसरे जो लॉकडाउन जो एक्सटेंड हुआ उसका तीसरा दिन है, तो वेलकम। एंड आज मैंने सोची कि भाई व्लॉग को कुछ अलग तरीके से शुरू किया जाए, एंड क्योंकि अब लॉकडाउन है कहीं बाहर आना जाना नहीं है, मतलब मैं भी कहीं नहीं जाता, आप लोग नहीं देखो कि हम जो व्लॉग बनाते बनाते इतना घूमते थे सब बंद कर दिया। और ये देखो मैंने जो लास्ट व्लॉग जिसने नहीं देखा होगा तो ये अब हमारे साथ ही रहती है। तो जो लोग बोलते थे कि भाई ये ऊपर क्यों रहती है, वो ऊपर इसलिए रहती है क्योंकि जैसे ये ठंड गर्मी में रहती है, यहाँ पे कहीं पे भी रहती है, गर्मी में ठंड चाहिए लेकिन ठंड में गर्मी चाहिए, और नीचे अगर घर में कारपेट वारपेट भी बिछाओ तो ये नहीं रहती है। मतलब ये नीचे ही बैठती है और फिर उसके बाद ये इसके छाती में ठंड लगती है और ये क्या पड़ जाती है, एकदम नींद में वो सारा बोल रहा हूँ, बीमार पड़ जाती है। देखो ये मिलेगा खाना आपने जैसे कि शुरू में देखा, और अभी टाइम हो रहा है, हो जा। ये देखो अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी मैं इसको 2 मिनट में दूंगा। ये देखो हाँ जी तो हमारा जो रूटीन है आजकल का, मतलब लॉकडाउन भी नहीं नवरात्रों से है कि नाश्ता करने का, उसके बाद बनाना शेक पीने का, खाना खाने का, उसके बाद बनाना शेक पीने का। तो ये इसके वजह से बनाना ही नहीं बचता, हर दिन में 4-4 बनाना खाती है, फिर भी इसको देखो ऐसे हो रही है पोप। तो अभी ऐसा करते हैं कि यश को फोन लगाएंगे, क्योंकि हमें देखो मैं आजकल भाई मैं पहले ऐसा बंदा था कि कोरोना से मैं डरता नहीं था, मैंने 2 दिन न्यूज़ का देख लिया मेरे सीने में बहुत डर बैठ गया, इसलिए मैं कहीं भी भाई मैं बैंक वैंक के काम से जाता हूँ या नीचे सामान लेने जाता हूँ अकेले नहीं जाता। हम जाते हैं यश को लेके, यश ही एक यहाँ पे हमारा अब दोस्त बचा है, तो कॉल करो यश को, कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर साहब, कंप्यूटर मास है, यश को कॉल लगाया जाए। टू 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 डुश लगा। फोटो देख रहा है कितनी बढ़िया लगाई है जोन सी फोटो खींचता है ना उनसी बदल लेता है तुरंत डीपी
कल व्लॉग देखेगा कहेगा भाई ऐसा क्यों बोला। उठा ले, कहे उठा ले रे बाबा उठा ले। अरे 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 उठ जा, तू भी उठी हुई है जब से फोन चलाया जा रही है। उठ जा, मैं जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ फ्रेश होके आऊंगा, खाना तैयार रख। अभी ये देखो, जब मैं व्लॉग करता हूँ या व्लॉग में किसी को लेता हूँ तब कोई कॉल नहीं उठाएगा, टाइम पे नहीं उठाएगा। एंड अभी मैं व्लॉग कर रहा था, ये जो आपने वॉशरूम से निकलने वाला सीन देखा, तभी यश ने फोन कर दिया। अभी उठा है बंदा, रात से 8 बजे से सोया है और अभी उठा है। पता नहीं आज थोड़ा अलग अलग सा लग रहा है व्लॉग करने में, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट ठीक है, सह लेंगे थोड़ा। बाल बाल सेट करके आया, नहा लिया है तू? देख देखो गाइस, ये आ गया गाइस। कौन सा व्लॉग है? और चालू कर दो स्टिंग। इम्यूनिटी बढ़ती है उससे या पावर बढ़ती है? मैं तेरे को फोन कर रहा था 11:30 करीब, केले लेने जाने के लिए। केले ठंडा यार, मैं पता चले आज पी लो और सुबह गले में गला अटका मिले, है कि नहीं? पिछली बारी मैं इतना वो नहीं लेके चल रहा था, लेकिन इस बारी मैं थोड़ा लेके चल रहा हूँ, थोड़ा डर गया है मैं। न्यूज व्यूज देख के बॉडी खोल के देखी ना, उसमें कोई उसका भैया चाचा मामा नहीं, किसी औरत की वो बॉडी देख ले, पूरी काला बाजारी। एक भाई जो 5,000 रुपए की उनको इंजेक्शन लग रही थी, वो इंजेक्शन 15,000, 25,000, 35,000 में बेच रहे हैं, पता पूरी काला बाजारी। केले दे दो अंकल एक दर्जन। मेरे जैसा घूमने वाला लड़का जो मतलब भाई हर दिन व्लॉग करता था, हर दिन कहीं ना कहीं जाता, उसको भाई अगर किसी का फोन आता है ना तो भाई अभी भी लोग कहते हैं राजा को बोलना घर पे ही रहे, अभी थोड़े दिन व्लॉग व्लॉग छोड़ दे। तो मम्मी कहती है वो घर पे ही रहता है, वो घर पे रहता है। तो इससे पहले जो आप लोगों ने मिली के बॉयफ्रेंड वाली, मिली मैटर बॉयफ्रेंड वाली जो वीडियो देखी होगी, ऑब्वियसली हमने मैटिंग कराई थी तो मास्क लगा मैं, ऐसा ऑटोमेटिकली उतर जाता है। मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं ऐसे बोलूँगा और ऐसे बोलूँगा तो डिफरेंस आता है ना बात में, तो आप लोग को भी समझ आए। तो मैटिंग कराई थी तो वही हम अभी डिस्कस कर रहे थे, और अभी एक पेट शॉप में जा रहे हैं। और इसको देखो, इसको मैंने 11 बजे फ़ोन किया था, ये 2 बजे उठा है, 2 बजे आया है, इतने लेट तक उठता है देखो। और हमें देखो, 6 बजे उठता हूँ, मिली को घुमाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। मेरे पास भी आंदे मैं उठूंगा। तो अभी मैं टीवी देख रहा था और इसमें ऐड आया, वो जो कटरीना कैफ करती है बहुत बढ़िया सा वो स्लाइस वाला ऐड, तो वो देख रहा था। तो मुझे ना एक रील याद आया जो मैंने देखी थी, वो ये देखो, ये वाली रील। तो भाई अगर ये वाली रील अगर कटरीना कैफ के जगह पर होती तो मतलब बात ही कुछ और होती। मतलब इस रील का मैं कंसेप्ट बताता हूँ, इस रील का कंसेप्ट है कि ना अपना स्लाइस किसी को दो, ना शेयर करो, जो मांगा उसे थप्पड़ मारो।
सो गाइस अब ये देखो, मतलब अभी मैं देखो व्लॉग एंड करूंगा, उससे पहले ये देखो ये खाना पड़ा है, और ये देखो ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये मतलब जब तक खाना पड़ा रहेगा तब तक ये वहीं देखती रहेगी ऐसे बैठे बैठे। अच्छा ऐसे भी होता है। और वो ले पापा वाला फोन। एंड गाइज मैं जो 10 दिन से या 11 दिन से व्लॉग नहीं कर रहा था वो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये देखो ये रहा फोन, और ये वाला पीछे वाला कैसे दिखा। हाँ रुको दिखाता हूँ, ये देखो इस फोन से मैं पहले शूट करता था, ये वही फोन, और पीछे वाला मैं दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखो ये वाला फोन, ये और ये फोन इसलिए कि देखो ये वाला फोन जो है ये हमने दिया था, मतलब पापा का फोन टूट गया था तो मैंने दिया था कि भाई ये लो ये जब तक दो दिन, मतलब जब पहला लॉकडाउन लगा था कि सैटरडे को लॉकडाउन रहेगा मंडे तक सुबह 6-5 बजे तक रहेगा, तब मैंने दिया था। एंड उसके बाद इन्होंने कही कि अब ये फोन मैं ही रख रहा हूँ। मेरे दिल पे लगी चोट ठा करके भाई, मैंने कही मैंने तो दिल से मतलब अच्छी नीयत से दिया था कि भाई यूज करके मेरे को वापस दे देंगे, लेकिन उन्होंने पूरा मन मना लिया कि मैं मतलब यही फोन रखूंगा ये वो। उसके बाद भाई मैंने कही यार दिल्ली में लॉकडाउन है, मैं खुद से फोन ले नहीं पाऊंगा, मेरे को ये नहीं पता था नोएडा में लॉकडाउन नहीं, फिर मुझे पता चली कि नोएडा में लॉकडाउन नहीं है। फिर मैंने इनसे कही कि सेम पीस मुझे भी ला कर दे, इनफैक्ट मैं 256 GB चाहता था, ये 128 मिला मार्केट में जो अवेलेबल था, और जबकि 4 दिन तक मैंने वेट किया उसके बाद भी मेरे को 256 GB नहीं मिला। एंड अब जो लोग भी देखेंगे वीडियो बोलेंगे कि भाई तूने तो कही थी तेरा फोन टूट गया, तो मैंने अनुराग और यश से बस कही थी कि मेरा फोन टूट गया, मैंने अमन को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, वो बोला पूरी कहानी उसको सुनाई, फिर उसके बाद आकाश को, फिर उसके बाद यश ने पूछा, तो मैंने भाई यश को बोल दिया मेरा ही फोन टूटा है। अनुराग ने पूछा, अनुराग को ही बोल दिया भाई, इसलिए मैंने बोला था क्योंकि फुल स्टोरी उतना लंबे से बताने में मैंने कि मेरा ही टूट गया, सॉरी माय एलोपोजी। सो गाइस इसी के साथ अगले मतलब जितने भी दिन लॉकडाउन रहेगा घर से वीडियो आएगी, अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा तो नीचे दिखा दूंगा, और अभी मैं जा रहा हूँ मिली को घुमाने, तो इसी के साथ ये वाला व्लॉग करते हैं। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू डिड देन यहाँ तक आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइबर बड़े धीरे धीरे गेन हो रहे, पता नहीं गेन क्यों नहीं हो रहे, एंड वीडियो पे अच्छी रिस्पॉन्स नहीं आई, तो आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। एंड वीडियोस देखते रहना क्योंकि देखो आई विल गिव यू गुड न्यूज सून। खत्म।